वेलकम बैक, मैं चला सोची मैं मुझे आपसे बताया दोस्तों। देखो तो मेरे पीछे प्यारी सी बच्ची है, उसे जल्दी से कैमरे में देखो और अपने पास सही कर लियो। तो आज मैं जा रही हूँ फाइनली लौट के वापस। एक्चुअली मैं संडे को आई थी, ऑल ऑफ सडन मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं आऊँगी, पर मैं अचानक से आ गई थी। तो आज मैं वापस जा रही हूँ फाइनली, तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। जितना एक्साइटमेंट मेरा आने का होता है, जाने का बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस वक्त मेरा एक्साइटमेंट लेवल 0 से भी ज़्यादा है। इस वक्त मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बिल्कुल भी 0 है। और एक्चुअली सुबह सुबह ट्रैवल करना मुझे वैसे भी थोड़ा नींद भरा लगता है। एक्चुअली बोरिंग तो क्या ही लगता है, पर नींद भरा लगता है। तो बस ट्रैवलिंग में ये बात अच्छी है, ओनली ये बात अच्छी है ओनली कि विंडो सीट, अगर विंडो सीट नहीं होती ना तो अनलाइक ओब्स बड़ा हैपन विडो बड़ा हैपन। और आप सब लोग भी मेरे को बताते रहिए कमेंट करके कि आप सब लोग कैसे हैं, कैसा है सबका हाल चाल। मेरा हाल चाल तो बहुत अच्छा चल रहा है, बड़े हो गए यार। मैं अच्छा बताया, सीरियसली मैं सोच रही हूँ कि अपने बाल इस कटा। बार रेलवे में कोविड की वजह से बहुत माइन्यूट से चेंजेस ये थे कि रेलवे आपको खुद से फूड सर्व नहीं करेगा। फूड अवेलेबल है, आप अपना खुद से परचेज करके ले सकते हैं। जैसे कि देखिए मेरे सामने जो आंटी बैठे, इन्होंने इन्होंने अभी भी चाय ली है, तो ऐसे आप ले सकते हैं। पर जो खुद से पहले सर्व होता था ऐसा नहीं होगा इस बार, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले में शताब्दी की डिस्प्ले में क्या क्या चीज़ें आपको कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं। तो चलिए, वी होप यू एंजॉय योर ट्रिप एंड विल गिव अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू अगेन। बार बार यहाँ पे थैंक यू मैसेजेस आपको डिस्प्ले में दिखते रहेंगे। उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, एक चीज़ और है, जैसे अभी ये सारी चीज़ें इंग्लिश में आ रही हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें हिंदी में भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सिर्फ इंग्लिश में आएंगी, तो ये हिंदी में भी आएंगी, मतलब ये दोनों लैंग्वेजेस में आती हैं। ये चीज़ शताब्दी की बहुत अच्छी है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि सारी चीज़ें हिंदी में दोबारा से ज़रूर आएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इंग्लिश में आ रही हैं। देखिए जो 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 भी कुछ आपको वहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा वो सारी चीज़ें यहाँ हिंदी में भी मिलेंगी आपको, तो परेशान ना हो बिल्कुल। आई एम एक्चुअली ऑन द विंडो सीट एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, और मैंने सीट को कंफर्टेबल कर रखा है, तो बस मैं अभी सोकर उठी हूँ। हाँ इस बार रेलवे, तो देखिए जैसा कि अब यहाँ पे ये स्पीड आ रही है और अगला स्टेशन आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन का भी टाइमिंग आता है कि आपको देखिए जैसे कि कानपुर सेक्टर इतने बजे पहुँचेगी, लखनऊ इतने बजे पहुँचेगी। हाँ, इसमें बस एक ही ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है, वो है ये विंडो में अगर इसको मैं क्लोज करती हूँ तो फिर ये मेरे पीछे वाले के लिए भी क्लोज़ हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्सनली मेरी चेयर के लिए क्लोज़ होगी विंडो, अगर मैंने शटर डाउन कर दिया तो फिर पीछे वाले के लिए भी हो जाएगा, अगर पीछे वाला अप करेगा तो मेरे लिए भी अप हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बस एक ड्रॉबैक है जो मेरे को लगता है, अदरवाइज ऑल सेट। इस बार हाँ, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड, इस बार कुछ भी आपको रेलवेज़ की तरफ से प्रोवाइड नहीं होगा, नहीं हो रहा है, सब कुछ आपको अपना ही लेना होगा। मेरी जो सीट है वो अनलकीली, एक्चुअली मैं जब भी अपना अनलकीली मैं जब भी शताब्दी में आती हूँ तो मैं ये सीट कभी भी नहीं लेना चाहती हूँ, पर इस बार मेरे को मिल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ किस सीट के बारे में बात कर रही हूँ, सेंटर सीट के बारे में। एक्चुअली ये सेंटर सीट मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरे को मिले, पर अनलकीली आई एम ऑन दिस सेंटर सीट लाइक दैट, आई एम देयर इन द कॉर्नर। हाँ तो पर विंडो सीट है तो आई एम क्वाइट हैप्पी एक्चुअली, अदरवाइज तो क्या ही है, सिर्फ ऑल सेट। ये भी अच्छा होता है कि आपको प्रॉपरली एक हैंड रेस्ट भी अवेलेबल होता है। अभी जो मेरे पास वाले हैं वो शायद कहीं चले गए हैं, आई डोंट नो। और हाँ देखिए इस तरीके से विंडोज आ रहे हैं कंटिन्यूसली, इस तरीके से वेंडर्स आ रहे हैं। अगर आपको कुछ भी लेना हो तो आप अपना ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पर्सनली जो पहले ऐसा होता था ना शताब्दी में, रेलवे आपको खुद से जो सारा ब्रेकफास्ट, अगर आप सुबह मॉर्निंग में ट्रैवल कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून में कर रहे हैं तो लंच, और अगर नाइट में कर रहे हैं तो डिनर प्रोवाइड कराता था। इस बार नहीं वो प्रोवाइड करा रहा है, अदरवाइज़ वेंडर्स तो यहाँ पे 24/7 अवेलेबल है, तो अगर आप कुछ भी खाना चाहते हैं तो फिर खा सकते हैं। स्टेशन भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले में आता रहेगा कि अब कितना दूर है, आप किस स्पीड से चल रही है आपकी ट्रेन, हर चीज़, एवरी सिंगल थिंग। दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग इन शताब्दी।
और नेक्स्ट मतलब कोई भी स्टेशन जहाँ भी इसका स्टॉपेज है, एक्चुअली कोई भी स्टेशन क्या मैं कहूँ कि जहाँ इस जहाँ भी शताब्दी का स्टॉपेज होता है, तो स्टेशन से बिफोर 5 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, मैं कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता, बिफोर 5 शायद बिफोर 5 मिनट्स अनाउंसमेंट हो जाता है कि स्टेशन आने वाला है, जिसको भी उतरना है गेट रेडी फॉर दैट। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड थिंग कि ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाएंगे। एक्चुअली होता है ना कि अगर हम किसी और ट्रेन में बैठते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अरे यार कौन सा स्टेशन आ गया कौन सा स्टेशन आ गया, यहाँ आपको सारी अपडेट्स खुद ही मिल जाती हैं। तो बहुत ईजी होता है शताब्दी में ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ईजी होता है शताब्दी में ट्रैवल करना। अच्छा यहाँ ना एक्चुअली सेंटर में बैठने का एक ही ड्रॉबैक है कि तो आपको अपना पर्सनल टेबल मिलता है, एक छोटा टेबल है उस पर 4 लोगों को एडजस्ट करना है ना। आपको बोतल स्टैंड मिलेगा, आउच सॉरी, बहुत कंजस्टेड सा हो जाता होता है ना, थोड़ा आप कंफर्टेबल पोजीशन में अपने लेग्स को कंफर्ट देने की कोशिश करते हो तो वो नहीं दे पाते। आई विल शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली जैसे कि इस वक्त हम यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, तो अब जैसे अगर मैं अपने लेग्स को थोड़ा भी कंफर्ट दूंगी तो मुझे पूरी टाइम ऐसे ही बैठना पड़ा है, आई कॉन्ट डू लाइक दिस और एनीथिंग, तो बड़ा दिक्कत हो जाती। इसलिए ना मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं सेंटर में बैठूं कोच के, पर क्या ही बताएं यार। गुड मॉर्निंग, 5 more kilometers as I told you। तो चलिए बाकी के दिन चले हम आपको दिखाएंगे अब आगे। तो हमारे ट्रेन का सफ़र तो यहीं पे ख़त्म होता है एक्चुअली, अभी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर अब तो शायद 4 बचा होगा, 4 किलोमीटर है गया। तो चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो शाम को एक्चुअली मैं सो गई थी, उसके बाद अब उठी हूँ। जब मैं उठी हूँ तो पूरा खाना बन चुका है। एक्चुअली मैं उठी खाने की खुशबू से हूँ। और हाँ, मैं एक बात तो आप लोगों से पूछना भूल ही गई कि आप में से कितने लोग हैं जिनका व्रत है। एक्चुअली आज नवरात का पहला डे है, फर्स्ट डे है, पहला दिन है, तो आज व्रत है। तो हमारे यहाँ तो आज खाने में बनना है, आप लोगों को दिखा दो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टिक्की, शायद ये साबूदाना और आलू की। यार मैं थोड़ी कच्ची हूँ इस मामले में, मुझे नहीं पता, मैं आपको चटनी दिखाती हूँ। और हाँ, और साथ में बनी है बहुत ही यम्मी वाली कतली, शायद ही सिंगाड़े की कतली होते हैं, सिंगाड़े की होते हैं, इनको दही के साथ खाओ, वो माय गॉड। I can't wait more to eat actually।